नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्रवण पटवा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुलसुली। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप के IBM पोर्टल से AITT 111 बैच में परीक्षा दिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। DGT की ओर से एक नया नोटिफिकेशन रिजल्ट से संबंधित जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें एवं जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सभी छात्र जिनके मार्कशीट में ITI पास आउट यस है, अभ्यर्थियों को करना अनिवार्य है। ITI पास आउट एवं ट्रेड थ्योरी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए रीजनरेट मार्कशीट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप सभी इसे कैसे करेंगे, इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसे छात्र जिनके प्रोफाइल में परीक्षा फॉर्म भरते समय यहाँ कैंडिडेट टाइप में नॉन ITI था, उन सभी को ट्रेड थ्योरी के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परीक्षा देना पड़ा था। एवं उन सभी के जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, उनके मार्कशीट में यहाँ आप देख सकते हैं ITI पास आउट में नो दिया हुआ है। उन सभी छात्र जिनके मार्कशीट में ITI पास आउट नो है, उन सभी के फाइनल नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में ट्रेड थ्योरी प्रैक्टिकल एवं ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सेशनल अंकों के साथ इस प्रकार जारी किया जाएगा एवं प्रतिशत भी इन्हीं विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंट किया जाएगा। प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद DT असेसमेंट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ एक्शन बटन के अंतर्गत यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देगा। डाउनलोड मार्कशीट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगा। अभी जो अभ्यर्थी ITI पास आउट में यस हैं, वे सभी डाउनलोड मार्कशीट पर जब क्लिक कर रहे हैं तो उनके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें वे अपने मार्कशीट को विद ट्रेड थ्योरी या विदाउट ट्रेड थ्योरी के साथ यहाँ पे इन दो ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने फाइनल मार्कशीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। किंतु यह ऑप्शन जो ITI पास आउट नो है उनको नहीं दिया जा रहा है। उनका जो फाइनल मार्कशीट NAC जो जारी किया जाएगा, वह उनके ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिकल और सेशनल के अंकों के आधार पे जारी किया जाएगा। ऐसे छात्र जिनके प्रोफाइल में कैंडिडेट टाइप ITI पास आउट था, उनके मार्कशीट में ITI पास आउट में यस दिखाई देगा। उन सभी को सिर्फ थ्योरी की परीक्षा देनी थी। यदि उन्होंने ट्रेड थ्योरी की परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं, उन सभी को DGT ने पास आउट कर दिया है और उन सभी को बिना थ्योरी विषय के NAC जारी होंगे एवं उनका प्रतिशत प्रैक्टिकल और सेशनल के अंकों पर निकाला जाएगा एवं मान्य होगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेशन में बताएं एवं किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।